ये लोग दलितों पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडी अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश विदेश में अपने भाषणों में अक्सर कहते हैं, देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र और संविधान को खतरा कहां से है, किससे है? नमस्कार, मैं हूं रुचि अनुरुद्ध और ये तो हद ही हो गई। देश की अदालतों से बार बार मुंह की खाने के बाद भी आज ही खबर आई है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आरक्षण का लाभ देने के लिए मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में शामिल किया है। ये वाकई चौंकाने वाली खबर है। एनसीबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कर्नाटक सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए पुष्टि की है कि कर्नाटक के मुसलमानों की सभी जातियों और समुदायों को रोजगार और राज्य सरकार के अधीन शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया गया है। कर्नाटक में 13% मुस्लिम आबादी है जो अब ओबीसी का हिस्सा मानी जाएगी। जब कांग्रेस मुसलमानों को अलग से आरक्षण देने में नाकाम हो गई तो मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में ही डाल दिया, यानी ओबीसी आरक्षण को काटकर मुस्लिम समुदाय में बांट दिया। चुनाव से ठीक पहले आरक्षण के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता देना धर्म के नाम पर वोट मांगने के कांग्रेस के दृष्टिकोण को उजागर करता है। ये ठीक वैसा ही हुआ जैसे पीएम मोदी ने कांग्रेस के इरादे के बारे में कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राजस्थान के टोंक में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जनता को बताया कि कांग्रेस पार्टी दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी का ये आरोप बेहद गंभीर है, लेकिन उनका कहना है कि उनके आरोप का आधार कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र है, जिसमें मौजूद इक्विटी चैप्टर में साफ साफ लिखा है, कांग्रेस गारंटीज दैट इट विल पास अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू रेज द 50% कैप ऑन रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी। इसका मतलब है कि कांग्रेस संवैधानिक संशोधन लाकर एससी एसटी और ओबीसी को मिलने वाले 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ा देगी। अब सवाल यह है कि कांग्रेस किसके लिए आरक्षण बढ़ाने की बात कर रही है। तो आज हम आपको कांग्रेस के आरक्षण वाले चुनावी वादे की रियल स्टोरी बताएंगे। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टिकरण का ट्रैक रिकॉर्ड देश दशकों से देख रहा है और इस तुष्टिकरण में मुस्लिम आरक्षण का प्रयास 2004 से आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार से शुरू हुआ और 2014 तक यूपीए सरकार से होता हुआ अब 2024 तक कांग्रेस के घोषणा पत्र तक पहुंच चुका है। कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ, बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ करने की कोशिश की। इस देश की में जब संविधान बना तब धर्म के आधार पर आरक्षण का घोर विरोध हुआ था, ताकि हमारे एससी एसटी ओबीसी समुदाय को सुरक्षा मिलती रहे। लेकिन उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने भाषण किया था और उस सभा में मैं मौजूद था मुख्यमंत्री के नाते। ऐसा हुआ तो था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा भी था कि देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है, और कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में यह हक देने की कोशिश भी की। बात 2004 की है जब कांग्रेस समर्थित यूपीए सरकार सत्ता में आई। आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। सरकार ने मुस्लिम आरक्षण लागू करने के लिए 2004 से 2010 के बीच 4 प्रयास किए, लेकिन हर बार कांग्रेस के हाथ नाकामी ही लगी। हर बार आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की कोशिशों पर पानी फेर दिया। 5वीं बार केंद्र की यूपीए सरकार ने मुस्लिम आरक्षण की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही हुआ जो होना था। 2012 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की रोक को सही ठहरा दिया और कांग्रेस के डेंजरस गेम प्लान को फेल कर दिया। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में एससी एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस
पूरे देश में आजमाना चाहती थी। आइए हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने आंध्र प्रदेश में क्या किया और अपने इरादों में कैसे नाकाम हो गई। 12 जुलाई 2004 को आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के वाईएसआर रेड्डी की नई नवेली सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण शुरू करने की घोषणा की। 21 सितंबर 2004 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मुस्लिम आरक्षण के कांग्रेस सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया। इसके जवाब में नवंबर 2004 में मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी ने डी सुब्रमण्यम आयोग का गठन किया। 14 जून 2005 को जस्टिस डी सुब्रमण्यम आयोग ने अपनी अनुशंसा रिपोर्ट पेश की, जिसमें मुसलमानों को 5% आरक्षण देने की सिफारिश की गई। अब सोचिए, अगर ये सिफारिश लागू की जाती तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन नहीं होता? यकीनन होता। आंध्र प्रदेश सरकार ने समुदाय विशेष को आरक्षण देने की कोशिश जारी रखी। 20 जून 2005 को मुस्लिम आरक्षण को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए कांग्रेस की आंध्र सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में 5% मुस्लिम आरक्षण के लिए एक अध्यादेश जारी कर दिया। 25 अक्टूबर 2005 को राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सौंपी गई एक रिपोर्ट के आधार पर अध्यादेश को अधिनियम बनाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया। एक महीने के अंदर ही कांग्रेस एक बार फिर अपने इरादे में नाकाम हो गई, जब 21 नवंबर 2005 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कहा कि मुसलमानों के लिए आरक्षण असंवैधानिक है। हाईकोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग माना जाना पूर्णतः अनसाइंटिफिक और डिफेक्टिव क्राइटेरिया पर आधारित है। 14 दिसंबर 2005 को आंध्र की कांग्रेस सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 4 जनवरी 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर सीमित अंतरिम रोक लगाई। कहा, जिन लोगों की आरक्षण अधिनियम के आधार पर पहले ही भर्ती हो चुकी है उन्हें नौकरी पर रहने दिया जाए, लेकिन भविष्य में आरक्षण के आधार पर होने वाली सभी भर्तियों को रोक दिया जाए। अदालतों के बार बार रोके जाने के बाद भी कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण की जिद पर अड़ी हुई थी। 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक अर्जुन सिंह ने भी कहा था कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। 17 अप्रैल 2007 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने माना कि APBC यानी आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशें अवैज्ञानिक हैं और उनका जमीनी हकीकत से कोई संबंध नहीं है। आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इस मामले को नए सिरे से APBC और रिटायर्ड सिविल सर्वेंट PS कृष्णन की अध्यक्षता वाली एक दूसरी समिति को भेजा। 11 जून 2007 को PS कृष्णन ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें मुस्लिम समुदाय में 14 पिछड़े वर्ग की पहचान की गई थी और फिर 3 जुलाई 2007 को APBC ने पहचान किए गए मुसलमानों के पिछड़े वर्गों के लिए 4% आरक्षण की सिफारिश की। 7 जुलाई 2007 को आयोग की नई सिफारिश के आधार पर आंध्र सरकार ने मुसलमानों के लिए फिर से 4% आरक्षण का आदेश जारी कर दिया। यानी हर हाल में कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती थी। 8 फरवरी 2010 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने 5-2 के बहुमत से फैसला लिया। फैसला था कि राज्य में पहचान किए गए पिछड़े वर्गों के मुसलमानों को 4% आरक्षण देने वाला एक कानून संवैधानिक नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) और 16(2) का उल्लंघन करता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण रिलीजन स्पेसिफिक यानी धर्म विशिष्ट है और ये संभावित रूप से धर्मांतरण को प्रोत्साहित करने वाला हो सकता है। 25 मार्च 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने 4% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को अंतरिम मान्यता दी और मामले को आखिरी फैसले के लिए संवैधानिक पीठ को भेज दिया। मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस अपनी आधी जीत पर इतनी उत्साहित हो गई कि 22 दिसंबर 2011 को केंद्र की UPA सरकार ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया, जिसमें केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में OBC को मिलने वाले 27% आरक्षण में से मुसलमानों के लिए 4.5% का उप कोटा तय कर दिया गया। ये एक बेहद खतरनाक कदम था, जिसके दो पहलू थे। पहला, इसने ओबीसी कोटा कम कर दिया और मुसलमानों को दे दिया। दूसरा, ये फैसला 2012 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किया गया था। 29 मई 2012 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला कांग्रेस की उम्मीदों के विपरीत आया। हाईकोर्ट ने UPA सरकार के 4.5% मुस्लिम आरक्षण यानी OBC कोटा के अंदर के एक उप कोटा को रद्द कर दिया। ये चौथी बार था जब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मुस्लिम कोटा पर रोक लगाई थी। पहली बार 21 सितंबर 2004, दूसरी बार 21 नवंबर 2005, तीसरी बार 8 फरवरी 2010 और चौथी बार 29 मई 2012 को। कांग्रेस की कोशिश जारी थी। UPA सरकार आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट से भी कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आया। 13 जून 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि UPA सरकार का आरक्षण आदेश पूरी तरह से धार्मिक विचारों पर आधारित था, जिसका संविधान समर्थन नहीं करता है। बात सिर्फ आंध्र प्रदेश ही नहीं है, कर्नाटक में भी कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम आरक्षण वाला कार्ड खेला था, जिससे बाद में BJP की सरकार ने खत्म कर दिया। मार्च 2023 में कर्नाटक की BJP सरकार ने 4% का मुस्लिम कोटा खत्म कर दिया, जिससे लिंगायत और वोक्कारिगाओं का कोटा 2% बढ़ाया गया।
लेकिन 26 मार्च 2023 को कांग्रेस नेताओं ने सत्ता में वापस आने पर कोटा बहाल करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि कोटा रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों दोनों पर लागू होगा। जब हमें मौका मिला तो हमने पहला काम किया, उन्होंने जो एससी एसटी से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला था उसको हमने खत्म कर दिया, और जिनका हक था उनका हित सुरक्षित रखा। तो कांग्रेस पूरे देश में आग बबूला हो गई, ये मोदी समझता क्या है? अरे मोदी संविधान को समझता है, मोदी संविधान को समर्पित है, मोदी बाबा साहब अम्बेडकर की पूजा करने वाला व्यक्ति है। 5 अप्रैल 2024 को न्याय पत्र के नाम से कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया जिसमें कई हानिकारक एजेंडे शामिल हैं, लेकिन मुस्लिम आरक्षण का वादा सबसे खतरनाक है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के इक्विटी सेक्शन के 2 बिंदुओं और माइनॉरिटी सेक्शन के पॉइंट 6 को एक साथ पढ़ने पर यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स और यहां तक कि स्पोर्ट्स में भी मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने की योजना बना रही है। अब ऐसे में सवाल तो लाजमी है कि कांग्रेस के न्यायपत्र में आखिर किसको न्याय देने का दावा और वादा किया जा रहा है। इसका जवाब शायद अब मुझे देने की जरूरत नहीं है। 10 साल पहले कांग्रेस ने जिद ठान ली थी कि मुस्लिम आरक्षण लागू करना ही करना है। 5 जून 2013 को यूपीए सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रहमान खान के बयान ने ये साबित भी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपीए सरकार 4.5% मुस्लिम कोटा लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2014 के कांग्रेस मैनिफेस्टो में सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस लागू करने का इरादा साफ झलकता था। दरअसल सच्चर कमेटी मार्च 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा बनाई गई 7 सदस्यों वाली उच्च स्तरीय कमेटी थी, जिसे भारत में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर स्टडी करने के लिए बनाया गया था, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने की थी। सच्चर कमेटी की कई सिफारिशों में खास थी शिक्षा क्षेत्र में सुविधा देने के अलावा रोजगार में मुसलमानों का हिस्सा बढ़ाना, यानी कि आरक्षण देना। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि चुनाव क्षेत्र के परिसीमन प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा जाए कि अल्पसंख्यक बहुल इलाकों को एससी के लिए आरक्षित न किया जाए। कांग्रेस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करना चाहती है, इसकी साफ झलक उसके चुनावी घोषणा पत्र में मिलती है, जिसमें सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के बाद वो सकारात्मक कार्रवाई के विस्तार की बात करती है। देश की अदालतों द्वारा निर्धारित 50% की आरक्षण सीमा का उल्लंघन करने का इरादा रखती है। मुसलमानों को नौकरियों, शिक्षा और यहाँ तक कि खेलों में उचित हिस्सा सुनिश्चित करने का वादा करती है। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या ये मुस्लिम आरक्षण के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का स्पष्ट प्रयास नहीं है? आज के लिए इतना ही। कांग्रेस के मुस्लिम आरक्षण वाले खतरनाक इरादे पर आपकी क्या राय है, हमें लिखकर जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे की रियल स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हाँ, वोट देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें।